जैसा कि आपको मालूम है, हमारा आरत कॉरपोरेशन पूरे हिंदुस्तान में 4600 से अधिक शहरों में 69th रैंक में आया, और ये सारा जनता के सहयोग से और सब लोगों के सहयोग से संभव हुआ। शहर में 100 से अधिक पार्क बहुत अच्छे बनाए गए हैं, जिनमें सुबह शाम लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, और इन पार्कों को नवीनकरण कहिए, इनमें जो दूसरी सुविधाएं हैं, हट बनाने का है, बेंचेस लगाने का है, वो हमारा कार्य चल रहा है, और कुछ एक पार्क्स में हमारा ओपन जिम लगाने का कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त शहर में सीसीटीवी कैमरास और लोग हमारे सरकारी संपत्ति पर, हमारे चौकों पर और जो सरकारी भवन है उनको डिफेस ना करें, अपना पोस्टर ना लगाए, तो ये पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कुछ दिन से हमारी थोड़ी समस्याएं थी कि सो कॉल्ड सीवर डेथ में हमारे 4 लोगों की डेथ हो गई थी, और जिस वजह से हमारे पब्लिक हेल्थ के जो लोग थे वो स्ट्राइक पे चले गए, और स्ट्राइक पे जाने की वजह से थोड़ा सा हिट हुआ कार्य, लेकिन नगर निगम में अमृत योजना के तहत हमारे ड्रिंकिंग वाटर और सीवरेज की जो व्यवस्था है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जोरों पर कार्य चल रहा है, और ये कार्य हमारा अभी लंबा चलेगा, तो आने वाले समय में तो इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, लेकिन अब तुरंत प्रभाव से इस समस्या को निपटने के लिए पब्लिक हेल्थ को, डिपार्टमेंट को बड़े अच्छे कड़े निर्देश दिए गए हैं, वो अपने इस पे लगातार कार्य कर रही है, और इस गर्मी के सीज़न में इस समस्या से निपटने के लिए अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है, वो अपना क्षेत्र में विजिट करके ये तय और सुनिश्चित करते हैं कि वहाँ कठिनाई ना हो। एक आधी जगह अगर कोई कठिनाई होती है तो वहाँ ड्रिंकिंग वाटर का हमारा जो टैंकर वगैरह है वो भी भिजवाते हैं, और कहीं कोई सीवरेज को ब्लॉक होने की बात है वो तुरंत से उसकी केयर किया जाता है, और जितने आज की डेट में मेन होल कोई भी खुला ना हो, इस प्रकार के कड़े निर्देश दोनों विभागों को दिए गए हैं, और वो बरसात से पहले ये सफाई करने का जो काम है वो हमारा 98% से ज़्यादा पूर्ण हो चुका है। हम आने वाले बरसात के सीज़न में सीवरेज का चौक या बाढ़ जैसी स्थिति ना हो, ये सुनिश्चित कर लिया है। जैसा कि आपको विदित है, रोहतक एक पुराना शहर है, और इसमें अब काफ़ी बाईपास बन चुके हैं बाहर से, और अंदर का जो बाईपास है इसके अंदर की जो सड़क है इसके ऊपर हमारा एक रोहतक घुआना रेलवे लाइन आती है, जो फाटक है, इसके साथ साथ एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बन रहा है, और इस ट्रैक के निर्माण के लिए जो पिलर वगैरह लगाए जाने हैं, तो ये स्वाभाविक है कि इस कार्य को करने के लिए कुछ समय तक हमें ये फाटक बंद करना पड़ेगा, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो ये कार्य कर रहा है उसके लिए ज़रूरी भी है। मेरा रोहतक शहर के लोगों से ये कहना है, इसके साथ करबद्ध अपील है, कि वो इस मामले में किसी प्रकार की अनिश्चितता जाहिर ना करें, इस फाटक के बंद होने की एवज में जो अल्टरनेट और वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो कर ली गई है, और एम्बुलेंस आदि जो जाने का रास्ता है वो सारे दूसरी तरफ से इसको डाइवर्ट किया जा रहा है, और प्रॉपर पुलिस की डिप्लॉयमेंट के साथ ट्रैफिक व्यवस्था ठीक प्रकार से रखी जाएगी। ऐसा मेरा निवेदन है कि ये कुछ समय के लिए जब ये फाटक बंद होगा तो इसमें अपना शांति और स्थिरता का परिचय दें।